हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें पता है कि रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। एन आर इज इक्वल टू एन एस वन माइनस एस, और एन एस को हम लिख सकते हैं 120 एफ अपॉन पी। तो हमें रोटर की स्पीड को चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम पोल्स को चेंज करें, या तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, या तो हम स्लिप को चेंज करें। तो हम इन्हीं मेथड्स के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नाउ यू कैन नोट डाउन दैट बाय चेंजिंग द स्लिप, ठीक है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स पी, द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल। तो अभी हम फर्स्ट मेथड स्टडी कर रहे हैं, चेंजिंग द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस से क्या चेंज हो सकता है? स्लिप चेंज हो सकता है, ठीक है। तो स्लिप को चेंज करने के लिए हम रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। तो अब हाँ, रोटर रेजिस्टेंस हम किस में चेंज कर सकते हैं? स्क्विरल केज वाले में तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो उसमें तो रोटर रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो ये मेथड सिर्फ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे रोटर की रेजिस्टेंस चेंज करके स्लिप चेंज होगा। तो बेसिकली टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखे थे वो आप याद कीजिए, कैसे थे? पहले स्ट्रेट लाइन, देन हाइपरबोला। तो अगर मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है आपका? आर अपॉन एक्स होता है, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस चेंज कर दें तो जो जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वाले ग्राफ में देखिए, मैक्सिमम टॉर्क हमें इस स्लिप पे मिल रहा है। तो अगर मेरे को रेजिस्टेंस में इंक्रीज कर दूँ तो अब मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ओके। ये आप टॉर्क स्लिप की बात करें, अगर हम टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स बनाएं तो वो उल्टा वेरी होता है, ठीक है। तो और अगर हम मान लो और रेजिस्टेंस ऐड कर दें, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो हमें जो मैक्सिमम टॉर्क है वो और ग्रेटर स्लिप पे मिलेगा। तो आपके इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से टॉर्क और स्लिप वेरी कर रहा है। और स्टार्टिंग टॉर्क हम निकाल सकते हैं जिस पोजीशन में हमारा स्लिप, मान लो ये पोजीशन है जहाँ पे स्लिप वन है, स्टार्टिंग की पोजीशन है, तो इस पोजीशन में इस वाले रेजिस्टेंस के लिए स्टार्टिंग टॉर्क इतना हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस के लिए स्टार्टिंग टॉर्क इतना है एंड इसके लिए इतना है। तो हमने मतलब रेजिस्टेंस को ऐड करके स्लिप भी चेंज हो गया। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर लोड की बात करें, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। अब अगर मान लो मैंने ये एक मोटर है और उस मैंने एक लोड एक्सटर्नल लगा दिया जिसका लोड का टॉर्क इतना था, ओके। तो हम जो मोटर है उसको हम किस रीजन में ऑपरेट करते हैं? स्टेबल रीजन में। तो हमने ये भी स्टडी किया था कि ये वाला जो रीजन है वो स्टेबल रीजन होता है। हमेशा मोटर को हम इस रीजन में ही ऑपरेट करते हैं, स्टेबल रीजन में, ठीक है। तो स्टेब यहाँ पे मतलब हमें देखना है कि कहाँ पे टॉर्क मिल रहा है। देखो इस वाले ग्राफ के लिए हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, इस ग्राफ के लिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो, तो मतलब लोड टॉर्क हमें इतनी स्लिप पे मिलेगा, ठीक है, इतनी स्लिप पे हमारी मोटर रन करेगी। अगर मान लो हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा ग्राफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब सेम टॉर्क आपको कितनी स्लिप पे मिल रहा है देखिए, क्योंकि जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड की तो अब मोटर का ग्राफ जो था वो शिफ्ट हो गया। तो अब सेम टॉर्क आपको पहले इस स्लिप पे मिल रहा था, अब किसी और स्लिप पे मिलेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया तो हमारी स्लिप भी चेंज हो गई, ठीक है। स्लिप चेंज हो गई तो स्लिप से हमारा स्पीड चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड और स्लिप का तो रिलेशन हमें पता है कि एन आर इज इक्वल टू एन एस वन माइनस एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रोटर रेजिस्टेंस ऐड करके स्लिप को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। स्लिप जब इंक्रीज हो रही है हमारी तो ये डिक्रीजन फैक्टर कम हो रहा है, तो स्लिप इंक्रीज का मतलब है रोटर की स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो स्लिप रोटर रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं, स्लिप इंक्रीज हो रही है और रोटर की स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। या ऑल्टरनेटली आप ऐसे देख लीजिए कि जब हमने रेजिस्टेंस ऐड की, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऐड करके जो एक पर्टिकुलर टॉर्क पे जो स्लिप थी वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो स्लिप इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि स्लिप का फॉर्मूला हमें पता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है। तो स्लिप इंक्रीज़
कब हो रही है, ns तो कांस्टेंट है, मतलब nr क्या कर रहा है उस टाइम, डिक्रीज कर रहा है. तो रेजिस्टेंस ऐड करके हम स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं. सो अंडरलाइन वाला पोर्शन आप नोट कर सकते हैं कि स्लिप रिंग टाइप मोटर्स में स्लिप कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द रोटर रेजिस्टेंस, बट स्क्विरल केज में रोटर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी वेरिड. ठीक है, तो ये मेथड स्क्विरल केज के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. और यहाँ पे जो ग्राफ है वो टॉर्क स्पीड का ग्राफ है. ठीक है, टॉर्क वर्सेस स्पीड का है. तो ये ग्राफ हमें पता है कैसा बनता है, इस तरफ हाइपरबोला बनता है और इस तरफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये स्टेबल रीजन होगा इसमें. तो कोई भी एक आप याद रख लेना, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया उससे आप याद रख लेना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब एक ही है. नेक्स्ट यू कैन नोट डाउन दैट द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है, विथ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस आर टू ग्रेटर देन आर वन, रोटर स्लिप इंक्रीजेज फ्रॉम S1 to S2. और आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो कि वेन द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड देन द रोटर स्लिप इंक्रीजेज. ओके, ये सेंटेंस लिखेंगे आप. देयरफॉर द स्पीड ऑफ द रोटर डिक्रीजेज, जब स्लिप इंक्रीज करती है तो स्लिप डिक्रीज कर जाती है. दैट्स इट. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे पहला जो ए पॉइंट है वो आपने नोट करना है सिर्फ, दैट डिक्रीज्ड एफिशिएंसी ड्यू टू पावर लॉस्ट इन एक्सटर्नल रोटर सर्किट रेजिस्टेंस. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर लॉसेज हो जाएंगे तो उसकी वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी. एंड सेकंड पॉइंट है पुअर स्पीड रेगुलेशन. ठीक है, व्हेन मोटर इज़ वर्किंग विद हायर रोटर सर्किट रेजिस्टेंस. तो रेगुलेशन क्या चीज़ होती है हमें पता है, वोल्टेज रेगुलेशन तो आपको पता है कि नो लोड पे जो वोल्टेज होती है वो कुछ और होती है, फुल लोड पे जो वोल्टेज होती है वो डिक्रीज होती है. सिमिलर के स्पीड के साथ भी होता है. अब जो स्पीड आपकी किसी लोड पे है, जब लोड इंक्रीज करता है, ठीक है, जब मैकेनिकल लोड इंक्रीज करेगा मोटर के केस में, तो मोटर की स्पीड फॉल करेगी, तो वो जो डिफरेंस है वो स्पीड रेगुलेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं, दो ग्राफ्स हैं, एक रेजिस्टेंस R1 के साथ है और एक R2 के साथ है, और ये टॉर्क वर्सेस स्पीड ग्राफ्स हैं, और ये वाला इनका रीजन क्या होगा, स्टेबल रीजन है. ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे देखो, इधर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉर्क की बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये इस लोड पे हम बात करते हैं, अगर मान लो टॉर्क जो है वो लोड का टॉर्क वो इतना है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है इसके बराबर है जो लोड हमने एक्सटर्नल मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया है, तो इस वाले रेजिस्टेंस के साथ वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर. मतलब अगर हमने ये वाली रेजिस्टेंस ऐड की है R2, तो जो स्पीड है वो हमारी इतनी होगी. ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दें, सॉरी, अब ये रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो इधर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो स्पीड इंक्रीज करेगी. ये स्पीड वर्सेस टॉर्क ग्राफ है, स्लिप से कंफ्यूज मत करना. तो ये आपकी रेजिस्टेंस हमने डिक्रीज की, स्पीड इंक्रीज हो गई इसके कंपैरिजन में. तो यहाँ पे सेम टॉर्क पे अब हमें सेम, देखो, इस R1 वाले ग्राफ पे हमें सेम टॉर्क किस स्पीड पे मिलेगा, इस स्पीड पे मिलेगा. ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो हमें इतना, मतलब हमारा स्पीड वेरी कर रहा है जब हमने रेजिस्टेंस वेरी की R1 से R2, जब हमने रेजिस्टेंस वेरी की तो हमारा स्पीड कितना वेरी करा, इधर N3 से N1 वेरी करा. पर अगर हम मान लो लोड इंक्रीज कर देते हैं, लोड टॉर्क देखिए, तो हमारी जब R2 रेजिस्टेंस है तो कितनी स्पीड है, N4 है. जब हमने रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दी तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो अब कितनी स्पीड हो गई आपकी, N2 हो गई. तो रेजिस्टेंस तो हमने सेम ही इंक्रीज की, पर यहाँ पे जो स्पीड में डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, और जब कम टॉर्क था तो स्पीड में डिफरेंस कम था. तो मतलब वो जो है वो इक्वल नहीं है जो डिफरेंस है स्पीड का. ठीक है, तो वो वेरिएशन मतलब आपकी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, और ज़्यादा लोड पे और ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगी. तो वोल्टेज रेगुलेशन इज पुअर, तो आपने ये सेंटेंस लिखना है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन एट हायर लोड्स. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड कंट्रोल. तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस कंट्रोल पढ़ा, उसमें आपको मेन पॉइंट तो लिखना ही है, ये एक तो ग्राफ बनाना है और ये लिखना है कि जब हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज की तो स्लिप हमारा इंक्रीज हुआ और स्पीड डिक्रीज की. बट आप उसकी डिसएडवांटेजेस को स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है, तो
अब जो सेकंड मेथड है वो है स्पीड कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही है इस बार, ठीक है। आप टॉर्क स्ट्रिप भी बना सकते हैं। तो ये वाला रीजन यहाँ पे स्टेबल रीजन है। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाते थे ये एक फिक्स्ड वोल्टेज पे बनाते थे। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर दें तो हमें पता है कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज स्क्वायर से होता है। तो ये टॉर्क जो मैक्स टॉर्क है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा जब हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, या अगर हम वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे तो टॉर्क का कर्व डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर मैं रिड्यूस्ड वोल्टेज पे इसका ग्राफ बनाऊँ तो वो ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा। तो अब क्या है, हमें पता है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है, हमने डेरिवेशन निकाली है कि मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो के ई स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ एक्स नॉट था, ठीक है। और जो स्लिप है मैक्सिमम टॉर्क पे वो हमें पता है वो आर अपॉन एक्स थी। तो अगर हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, तो हमारा टॉर्क इंक्रीज़ हो रहा है, बट जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है वो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि जो स्लिप है वो वोल्टेज के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मतलब अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टॉर्क तो इंक्रीज़ होगा। मान लो ये रिड्यूस्ड वोल्टेज पे है, वोल्टेज हमने इंक्रीज़ कर दिया तो जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ हो गया, पर जिस स्लिप पे हमें मिल रहा है, ठीक है, वो हमें सेम ही स्लिप पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं। तो क्योंकि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस अगर होता वेरी तो चेंज हो जाना था, पर वोल्टेज से स्लिप, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सेम है, बट हमारा वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा है, टॉर्क चेंज हो रहा है। सो नेक्स्ट आप नोट करेंगे ये पॉइंट कि वी नो दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। देयरफॉर इफ वोल्टेज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम वी टू 0.9 V, ठीक है, अगर वोल्टेज पहले वी थी और बाद में उसका 0.9% रह गया सिर्फ, ठीक है, तो टॉर्क जो है वो कितना रिड्यूस होगा, पहले वी पे टी था और 0.9 V पे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो 0.81 T हो रह जाएगा वो, ठीक है, तो टॉर्क भी आपका रिड्यूस हो गया। तो अब जैसे ये वाला डायग्राम देखो, टॉर्क स्पीड वही है जैसा मैंने बनाया था। तो यहाँ पे ये वोल्टेज वी पे है और जब 0.9 V रह गया तो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई लोड है, ये उतना ये लोड टॉर्क है, ये वाली लाइन, ठीक है, जो हमने टॉर्क मोटर के आगे लगाना है, रोटेट मैकेनिकल लोड जो है वो इतना टॉर्क चाहिए, उसको इतनी फोर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर जब 1 V है तो उस टाइम इस इतने टॉर्क पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो कितनी स्पीड पे हो रहा है, n1 स्पीड पे, ठीक है। अब जब हमने वोल्टेज डिक्रीज़ कर दी तो अब उसको टॉर्क तो हमें सेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उतना तो हमें रोटेट कराने के लिए जितनी हमें एंगुलर फोर्स चाहिए उतना तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब हमने वोल्टेज डिक्रीज़ कर दी तो उतना टॉर्क उसको हमें उस क्या हो गया, वो स्पीड उसकी फॉल हो गई थोड़ी, ग्राफ से हम देख सकते हैं। तो सेम टॉर्क प्रोवाइड किया बट उसकी स्पीड जो है यहाँ पे हमें फॉल दिख रही है। तो मतलब जैसे हम वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो स्पीड है वो भी क्या हो रही है, हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे है टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड लोड टॉर्क स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है, उतने लोड को प्रोवाइड करने के लिए जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गई। सो ये जो मेथड है इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल 3-phase मोटर्स, इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता क्योंकि ये कॉस्टली पड़ जाता है, वोल्टेज चेंजिंग इक्विपमेंट्स हमें हाई रेटिंग्स की काफ़ी महंगी पड़ती हैं। तो बट स्मॉल जो इंडक्शन मोटर्स हैं होम में जो यूज़ होती हैं वहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल मेथड को यूज़ किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो अब वेरिएबल वोल्टेज को कैसे अचीव किया जा सकता है, देखो यहाँ पे थायरिस्टराइज्ड ब्रिज है यूज़ किया हुआ, तो हम फायरिंग एंगल्स को चेंज करके यहाँ पे, ठीक है,
आप वेरिएबल वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं. पॉजिटिव हाफ में ये वाला थायरिस्टर वर्क करेगा, नेगेटिव हाफ में ये. तो एक वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है. हर एक फेज़ में एंटी पैरेलल में दो थायरिस्टर्स लगे हैं. तो आपने ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा. तो फायरिंग एंगल चेंज करके हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं तीनों फेजेस में. सो नेक्स्ट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज़ फ्रीक्वेंसी चेंज. तो फ्रीक्वेंसी चेंज में हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. बट एक पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी को कभी हम अकेले चेंज नहीं करते, ठीक है. वोल्टेज को भी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज करते हैं. तो हमें पता है इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है. तो अगर हम मान लो वोल्टेज कांस्टेंट है और हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो फ्लक्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी फ्रीक्वेंसी के डिनोमिनेटर में. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो फ्लक्स आपका डिक्रीज़ करेगा, ठीक है. और ऑन दी अदर हैंड अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे तो फ्लक्स हमारा इंक्रीज़ करेगा. तो हमें फ्लक्स को जो है रेटेड वैल्यू से ना कम या ज़्यादा नहीं करना है. तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते करते हम वी को ई मतलब वोल्टेज को भी साथ में चेंज करते हैं. मतलब ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.44 pi t. तो हम ई वी बाय एफ को चेंज करेंगे और ऐसे चेंज करेंगे कि इनका रेशो जो है वो कांस्टेंट रहे, ताकि ये चीज़ हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज मेथड वी बाय एफ कंट्रोल मेथड भी इसको कहते हैं, क्योंकि वी अपॉन एफ आपका फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है. तो फ्लक्स हमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखनी है. तो इसमें आप लिखेंगे कि अगर इफ़ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर हमें चेंज करना है देन ई ऑल्सो हैज़ टू बी चेंज्ड टू कीप द सेम एयर गैप फ्लक्स, ठीक है. एयर गैप फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए दोनों को चेंज करना पड़ेगा. टर्मिनल वोल्टेज इज ऑल्सो वेरीड विद फ्रीक्वेंसी टू मेंटेन वी अपॉन एफ रेशियो कांस्टेंट. अगर हमें वोल्टेज को भी वेरी करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स इज ऑल्सो नीडेड अलॉन्ग विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई. वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई के साथ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स भी चाहिए.